नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस लैंड प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एटीवी यानी आकाशम टीवी में हमने 6 जून को बताया था। इस वक्फ अराजी के बारे में यानी मौलाली आरटीसी कॉलोनी के वक्फ अराजी को सूर्य नारायण रेड्डी एक्स म्यूनसिपल चेयरमैन ने किस तरह कब्जा जमा लिया था, हम अपने चैनल आकाशम टीवी पर इसकी तफसीली रिपोर्ट शाया करने के बाद आज दिल्ली से एक टीम खासकर इस लैंड के इंस्पेक्शन के लिए आई है। खासकर हमारी न्यूज़ आकाशम टीवी के जरिए बताए जाने के बाद मुतवल्ली जहीर नामी शख्स ही इस तमाम प्रॉपर्टी की बर्बादी का जिम्मेदार माना जा रहा है। और आप देख सकते हैं, जब यह टीम आरटीसी कॉलोनी मौलाली जाकर इंस्पेक्शन करने की कोशिश कर रही थी, तब इब्राहिम नामी शख्स किस तरह इस टीम के साथ बदतमीजी कर रहा है, इस टीम को अपने काम की अंजामदही में खलल डाल रहा है। इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को भी जानकारी दी गई। इस टीम ने कहा कि वक्फ अराजी पर कब्जा जमाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हम बार बार कह रहे हैं, ये टीम ने आकाशम टीवी के जरिए इस लैंड की तफसीली रिपोर्ट शाये होने के बाद इंस्पेक्शन के लिए आई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मजीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंट्रिक्स न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। दुल्हन को लेके निकल जाना है, ठीक है, वो पेपर मंगा लो, वो पेपर भी इनको बता दो, इनको देखना चाह रहे हो। देखिए, जरा चाबी खुला दो। जमीन है क्या? जी जी, हमारे साथ की मतलब कौन सा? सुरेन साहब, सुरेन लेडी साहब, एक्सचेंज एक्सचेंज किसका? जी, म्युनिसिपल के। म्युनिसिपल के? अगर ये मालिक जमीन है तो उनके कहां की हो गई? उन्होंने नहीं बोले ना, उन्होंने मेरी बल्कि उन्होंने कोर्ट में डाले। अगर वक्त की है तो बराबर उन्होंने कॉपरेट करने को रेडी है। हाँ, वक्त अगर बराबर आ रहा, वक्त के अलावा यहाँ के लोग जो है उनको मिसगाइड करके जो है तो हमारी ये बल्कि खा जाने के आसे कर रहे बराबर। अगर वक्त इतने दिन से रख लेती बराबर जगह तो उन्होंने कर दे दिलाए तो वाले अपने पास। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हाँ, वो काम के लिए इससे पहले ऑब्जेक्शन करे और रुक गया। जो है ये जब कमिश्नर चेयरमैन थे जी जी ये मेरी ज़मीन बोल के ट्रिब्यूनल में डाले तो ट्रिब्यूनल में वन कोर्ट जो है ना फाइट किया। हाँ, ट्रिब्यूनल हमारे फेवर में फैसला दिया जी। तो हम पोजीशन लेने आए तक हाई कोर्ट को जाके चले गए थे। ये है इसका एक्चुअल जो तो वो तो इससे सर्टन पीरियड के लिए होता है ना। हाँ, अभी स्टे हाई कोर्ट का स्टे है। हाँ, उन्हों कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ करने को नहीं जा रहे। हाई कोर्ट का स्टे है। आपका नाम? जी नाम जी इब्राहिम। इब्राहिम आपका दिखाने को तो साहब लोगों को बताने को चले आते, जो भी बात कर पाए पेपर भी देख लेना। आप और ऑफिशियल विजिट कर रहे हो तो मेरे को दे देना। हाँ, वो कुछ नहीं है पेपर, ऑफिशियल बराबर आपके साथ। जमीन तो उठा के ले जा रहे हैं आप, जमीन तो उठा, जमीन तो नहीं। मेरी बात सुनिए ना। आपका नाम मैडम? डॉक्टर दरक्षांद्रा जी जी। आप सेंट्रल वॉक जी जी, आप भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्यों चल रही है? बराबर नहीं, क्यों चल रही है? नहीं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा वहाँ तो सारे मजदूर लगे हैं। आपने सबस लिए लगाए हैं यहाँ पे? कौन से ये नहीं लगाए वो पहले के जो मैडम उसके नहीं होते कवर करने के लिए। इब्राहिम साहब, आप ही जानते हैं वक्त की जमीन किसी की जायदाद नहीं होती है। बेशक आप बोलने के बराबर है। आपके साथ हम वक्त प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपके साथ है। मगर ये जो आदमी है इसकी कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ वालों की है जो उसको मिसगाइड करके पूरे चीज़ों को वक्त के जो ऐसा नहीं बनाए। मैं मंगाया था चाबी, आपका ऑफिशियल पेपर दिए, उनका भी पेपर लगा दो, वो कोर्ट का स्टे मंगा लो भाई, पेपर दे दो। इसमें ऑफिशियल क्या लगाना है? हम यहाँ पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन अंदर कर रहे होंगे तो आप कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो कोर्ट देखेंगे ना भाई, अगर वायलेशन आप कोर्ट ऑफिशियल पेपर दे दीजिए, आप ऑफिशियल पेपर दे दिए, हम कोर्ट का आपको स्टे बता देते हैं। इंस्पेक्शन देख लिया आप, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं आप, इंस्पेक्शन करा दो बोलो ना भाई आपको। मैं नहीं करो खत्म, हम करा देंगे नहीं तैयार इंस्पेक्शन। मगर आप बोल दीजिए कुछ तो कि हम ये प्रॉपर्टी के लिए इंस्पेक्शन के लिए आए, ये नाम पे दिए। आप लास्ट टाइम आए ना साहब? आप लास्ट टाइम आए ना? आप पूरे दौरे का नहीं भाई, आप लास्ट टाइम आए ना साहब? इंस्पेक्टर साहब आए ना तो आप कुछ भी एक पेपर लेके आऊंगा ना। ये देखो ना, आप है बोलो नहीं बोलो, ये पूरी जगह का है, पेपर बताओ। बोले ना स्पेसिफिक जगह के लिए? नहीं नहीं,
पूरा है। आप लोग लास्ट टाइम इंस्पेक्शन के लिए आए ना, ये जो है ये पूरा हमारा प्रोग्राम है जी जी। आप आज का दौरे का बोले ना, आपको दौरा मैं कराने के लिए तैयार हूँ। मैं पेपर बता दिया, पेपर आप बता दो, आप यहाँ की जगह का पेपर दीजिए। नहीं हम बिल्कुल नहीं जा रहे, मैं आपको साथ लेकर चल के पूरा बताता हूँ। मैं आप साथ लेकर चल के पूरा बताता हूँ आपको। नहीं करता हूँ, रोड पे तमाशे कर रहे हैं अभी तो। क्या पेपर दे रहा हूँ ना मैं, आप यही पेपर है ना। चाबी आपसे बराबर खुलाने लगाएंगे, आप पेपर दीजिए। हमारा भी पेपर यही है बाबा, हाईकोर्ट का पेपर आप भी देख लो। अरे पेपर बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप पेपर बोले, मैं पेपर बताया ना हमारे ऑफिशियल बोर्ड का। हेलो, तो आईजी साहब से बात करा दो एकदम। नहीं मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए आपको पूरा लेके चल के अंदर बताता हूँ। आपको हमारा पेपर देख लीजिए, आप हाईकोर्ट का स्टे, आपका पेपर दीजिए, आप पेपर देख लीजिए। मैं पेपर बता रहा हूँ आपको, बात कर गए, बात सुनो आप एक मिनट के बाद आप लोगों को बता दो बात। हाईकोर्ट का स्टे पेपर है ना। अरे पेपर आता यार, पहले चाबी तो खुलाओ ना। नहीं अंदर जाके देख लेते हो, इन लोग ऑफिशियल देखना चाह रहे हैं, ऑफिशियल साहब। आप चाबी मंगाए थे, मैं बोला काम गलती से जा रहा हूँ। वही जो आप लोग रोके गए ना, काम वहाँ से रुके हुआ है, उसके बाद में से काम कुछ भी नहीं जा रहा। आप अंदर जाके इंस्पेक्शन करना चाह रहे हो, देख लेना और पेपर भी दे दीजिए। और मैं पूछा बोला जो इंस्पेक्शन करके गए ना, उसका पेपर दे दो बोला, ठीक है इंस्पेक्शन करके गए। ठीक है ठीक ठीक है, खुला दो पेपर, आप देख लीजिए, पेपर हमारा दे दीजिए, इंस्पेक्शन करो भाई। तो बात आप उसको लॉन्ग करे, इसका सिंपल बात थी साहब, आइए तशरीफ लाइए, आपका क्या पेपर है हम दे देते, आपका क्या पेपर देख लेते चले आते। रोड पर ढेर जरूरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, सिंपल बात थी। इसका आप हार के इन्फॉर्म कर रहे हैं, बोलते बराबर खोल के रख रेडी करे, आप आगे रोड पे ठहरे। नहीं नहीं आप आके ठहर के रोड पे, ठीक है आप टाइम से पहले आके बोले तो बराबर आपको करा दे। आपने हमारी रुकावट में बाधा डाला है, सरकारी काम में बाधा डाला है। टाइम से पहले आप आने से हम आपको बराबर कैबिनेट आई हुई है, तो रोड पे ठहरा दे, तो इसका अंदर बुलाना था, बराबर बुला दिया। बैठे मैं तो कैसे बुलाएंगे, सही जनों के साथ आना, चोरों लुटेरों के साथ आए तो हम कहीं नहीं नहीं दूसरों की बात बोल रहे हैं आप। देखो पीछे चोरों को ठहरा के रखा, सही आदमी से आप बराबर इस्तेमाल करेंगे, आप बराबर इस्तेमाल करेंगे, आप घर में बिठाएंगे हथेली पे, आप चोरों के साथ आए तो हम क्या करना। आप अच्छे लोगों के साथ हम बराबर इस्तेमाल करेंगे, ऑफिशियल के लिए हम एमएलए साहब के आदमी, हमारे को ऐसा सिखाया नहीं होना हमारे एमएलए साहब कि किसी को ऑफिसर को डिस्टर्ब करना बोल के हमको नहीं सिखाते एमएलए साहब। आप बराबर आइए, बराबर इंस्पेक्शन करिए, हम कोऑपरेट करने के लिए। आप चोरों के लिए साथ आते तो हम कहीं को इंप्रूव करेंगे, आप बराबर हम ऑफिसर्स के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हाँ आराम से बात करो, आराम से ही बात कर रहा हूँ मैं। आप रोड पे ठहर के बोले तो हमारे को तकलीफ हो रही। सुनिए हाँ, चार पाँच छह लोग दस लोग जो आए, नहीं 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 यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, आप तो हमारे मेहमान है। नहीं नहीं दिल्ली से आए तो आप हमारे मेहमान है, यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। चाबी खुला रहे बोले, बात बहस मत करो, तुम चाबी खुला दे रहा हूँ, चाबी खुला, आपसे बात करना नहीं है, जब बोलने के बाद में चाबी खुला दे रहा हूँ भाई। बात बोल रहा हूँ मैं आपको, लेके जाके बता दो, आप देख लो, देखेंगे जाएंगे जो इनको रिपोर्ट बनाने बनाने तो मैं कुछ पूछना ट्रैफिक है सी एन ट्रैफिक जाम हो सर। हरी हारून साहब, वसीम खान साहब, डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी, मुनवरी बेगम साहिबा और टी ओ नौशर एडवोकेट साहब, ये छः आदमी की टीम यहाँ पर आई है। कल वक्फ बोर्ड में भी समझो मीटिंग हुई है, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में, और उसके बाद कुछ यहाँ पर हमारे पास कंप्लेंट्स है, जैसा कि आरटीसी कॉलोनी ये सूर्यनारायण रेड्डी का जो चल रहा है 35 एकड़ का वो, और यहाँ पर कुंदनपल्ली है वहाँ पर 10 एकड़ का मसला है, वहाँ पर भी प्लॉटिंग चल रही है, और खुशहाल खान की कमान के बाद पत्थर तोड़ के सब जो मकान वगैरह बन रहे हैं, तो ये मौलाली
मोराली के स्टेशन के तहत तकरीबन प्रॉपर्टी है 232 एकर्स है मोराली के तहत। अब यहाँ पर बहुत कम बच गई है तकरीबन, तो मेरे मुतवली जो यहाँ पर है ये सब इसकी बदमाशी और इसकी चोरी से समझो पूरी प्रॉपर्टी यहाँ की भी ख़त्म हुई है। उसी तरीके से सूर्यानंद रेड्डी का जो आरटीसी कॉलोनी का है वो मीर महमूद साहब का वक्फ है, वो इंस्टीट्यूशन अलग है, तो वहाँ पर भी समझो वहाँ जाके देखे आए हैं। तो वहाँ पर कोर्ट में और मस्जिद के हिसाब से हर चीज़ से डिक्लेयर हो चुका है कि वो प्रॉपर्टी है। एक रुकाने के लिए वो जाके स्टेटस को लिया हाईकोर्ट से। स्टेटस को लेने का मतलब ये है कि वहाँ पर जैसा मौक़िफ़ है वैसी रहना है, लेकिन जब हम इसरार करें ये ने पूरा पर्दा बना हुआ है और गेट नहीं खोल रहे थे, और कोई यहाँ का एक लोकल इब्राहिम नाम का आदमी है वो बहुत बदतमीजी करा, इन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहा था हमारे को कुछ लोकल लोगों को साथ लेके। उसके बाद बहरहाल हम तमाम लोग अंदर, पुलिस भी आई, हम लोग गए अंदर जाके देखे तो वहाँ पर काम चल रहा है, सीमेंट गिरी हुई है, यानी पूरा यानी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, बिल्डिंग वर्क चालू है, पोल्स लग रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रहे हैं। तो इमीडिएटली समझो मैं यहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब हैं महमूद अली साहब उनको भी मैं कॉल किया, और महेश भगवत जी जो कमिश्नर है रहता पंडा उनको भी इसकी इत्तला दी गई है। और इससे पहले ये जब काम चल रहा था यहाँ की जो इंस्पेक्टर है हमारे वक्फ बोर्ड के साबिर हुसैनी साहब वो कंप्लेंट दे चुके हैं वहाँ पर आरटीसी कॉलोनी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मलकागिरी पुलिस स्टेशन अभी महेश भगवत जी से बात हुई है वो इमीडिएट वो करें फिर हम दोबारा इसका कंप्लेंट देंगे। और जो जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का चल रहा है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में श्री मौलाली का ही नहीं है बल्कि मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी है वक्फ बोर्ड में वो काम नहीं हो सक रहा है। जिन्हें आते हैं ये काम रोकते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर काम कर रहे हैं, जैसा यहाँ चल रहा है तो इस तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम स्पेशली यानी 6 आदमी की टीम वहाँ से आई है, और भी जगहों पर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद हम रिपोर्ट पेश करने के बाद इसमें समझो मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है और वक्फ बोर्ड है, वो सबको गवर्नमेंट से भी, क्योंकि आज शाम में 5 बजे होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात है और कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से मुलाकात है इसी जमन में। तो ये जो भी कार्रवाई है जहाँ जहाँ हुए हैं उनके सेल डीट्स ऑलरेडी पास का सेल डीट्स तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड कैंसिल कर चुकी है, और भी जो सेल डीट्स हैं मुतवली के लिए भी कार्रवाई करने के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ का जो मुतवली है जहीर वो तमाम प्रॉपर्टी की बर्बादी का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसको भी हटाने के लिए हम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।